दोस्तों सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक। 24 दिसंबर 1999 हम काठमांडू एयरपोर्ट को देखते हैं जहां से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 उड़ान के लिए तैयारी कर रही है। प्लेन में सामान लोड हो रहा है, कुछ ही देर में बोर्डिंग भी शुरू हो जाती है। हम एक आदमी को देखते हैं जो चुपचाप फ्लाइट में आकर एक बैग रखकर चला जाता है। हाईजैकर्स प्लेन में जा रहे हैं तभी एक आदमी का एयरपोर्ट पर फोन आता है जो बताता है कि वो होम मिनिस्ट्री से बोल रहा है और फ्लाइट को रोक कर रखो। लेकिन फ्लाइट रनवे पर आ चुकी है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, इसलिए प्लेन को रोका नहीं जाता और वो आदमी एयरपोर्ट पहुंचे तब तक फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है। प्लेन हवा में है और हाईजैकर्स अपना काम शुरू करते हैं। एक हाईजैकर कॉकपिट में घुसकर पायलट पर गन तान देता है और ऐलान करता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। कॉकपिट में मौजूद हाईजैकर्स प्लेन को काबुल ले जाने के लिए कहते हैं। कुछ पैसेंजर विरोध करते हैं जिन्हें हाईजैकर्स बुरी तरह से पीटते हैं। को पायलट कहता है कि काबुल तक जाने के लिए फ्यूल नहीं है। तभी एक और हाईजैकर आता है जिसे फ्लाइट के ऑपरेशन के बारे में जानकारी है। दूसरी ओर कैप्टन शरण ने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था जिसके बारे में आतंकवादी को पता चल जाता है और वो स्पीकर पर ATC से बात करते हुए कहता है कि ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है, हम इस फ्लाइट को लेकर काबुल जा रहे हैं। एक न्यूज़ चैनल को इस खबर के बारे में पता चलता है जहां से ये खबर हमारी खुफिया एजेंसी रॉ के पास पहुंचती है। रॉ के चीफ IB को इस खबर के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कहते हैं। IB हेडक्वार्टर में किसी की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी जा रही है, ये इस्लामाबाद से जम्मू कॉल आया था। IB चीफ बताते हैं कि ये काबुल पहुंच गए तो प्रॉब्लम होगी। तभी उनका अफसर कहता है कि अगर फ्लाइट इंडिया लैंड हुई तो सारा ठिकरा IB पर फूटेगा। वहीं रॉ के ऑफिस में काठमांडू से रॉ के एजेंट राम का भेजा हुआ मैसेज पढ़ा जाता है जिसने पहले ही बता दिया था कि कुछ संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी IC 814 पर सवार हुए हैं। हम विदेश मंत्रालय को देखते हैं जहां विदेश मंत्री अपने सेक्रेटरी की कैबिन में जाते हैं जो फोन पर इंफॉर्मेशन ले रहा है। फिर मंत्री को बताता है कि मौलाना अल्लाह बख्श जो बहावलपुर पाकिस्तान में है, जिनके 5 बेटों में से एक जम्मू की कोट भलवल जेल में बंद है जिसका नाम है मसूद अजहर। मसूद को छुड़ाने की 3 नाकामयाब कोशिश पहले हो चुकी थी जिसमें उसका खास दोस्त सज्जाद अफगानी भी मारा गया और ये प्लेन हाईजैक 4th कोशिश है। प्लेन हाईजैक के बाद मसूद को हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। उधर फ्लाइट में फ्यूल खत्म हो रहा है। दूसरी ओर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विनय कौल को ये खबर मिलती है और वो कहते हैं कि ये प्लेन काबुल नहीं पहुंचना चाहिए। रॉ के चीफ राम को ऑर्डर देते हैं कि वहां पकड़े गए ड्राइवर को टॉर्चर करो और पूछो कि वे कहां कहां गए थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विनय कौल सभी एजेंसियों की मीटिंग बुलवाते हैं। तभी IB अफसर आकर बताता है कि प्लेन में 5 हाईजैकर्स हैं जिनके पास पिस्तल और हैंड ग्रेनेड भी हैं। विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी बताते हैं कि अमजद फारूकी, जिसे डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, वो ISI के लिए काम करता था और अब्दुल्ला उमर के साथ काम कर रहा है। ओसामा भी उसे पसंद करता है और उसे लगता है कि ये फारूकी फ्लाइट में है। तभी मीटिंग में पता चलता है कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि काबुल तक पहुंच पाए। तभी कैप्टन लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए परमिशन मांगते हैं लेकिन परमिशन नहीं मिलती। NS से पूछते हैं कि और कोई चॉइस है हमारे पास। IB चीफ कहते हैं कि अमृतसर एयरपोर्ट है, वहाँ लैंड करवाओ और NSC से ऑपरेशन करवा के खेल खत्म कर दो। उधर लाहौर एयरपोर्ट लैंडिंग के लिए इनकार करता है। टेररिस्ट कहता है कि मेरी बात कराओ। उसे भी वही जवाब मिलता है कि आपको लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलेगी। इसलिए टेररिस्ट आपस में बात करते हैं कि प्लेन को अमृतसर ले जाते हैं, खतरा होगा तो देख लेंगे। दूसरी ओर दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे पैसेंजर्स के परिजनों को बताया जाता है कि फ्लाइट लेट है। रात हो जाती है और पैसेंजर्स के परिवारजन हंगामा करते हैं। फ्लाइट अमृतसर में लैंड होने का मैसेज मिलता है। वहीं पंजाब में मौजूद NSC कमांडो को एयरपोर्ट पहुंचने का ऑर्डर मिलता है। वहीं फ्लाइट में मौजूद पुरुषों को बिजनेस क्लास में ले जाकर उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। उधर प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड होता है। कैप्टन शरण एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताता है कि अगर फ्यूल टैंकर 5 मिनट में नहीं आया तो उन्हें टेक ऑफ करना पड़ेगा। NSC कमांडो वहां पहुंच चुके हैं। एक टेररिस्ट जहाज में मौजूद क्रू मेंबर को पैसेंजर के पास ले जाकर 2-3 पैसेंजर्स को चाकू मार देता है और कहता है कि बताओ अपनी सरकार को कि कितना खून बहने वाला है। क्रू मेंबर कैप्टन को आकर बताता है कि 2 लोगों का गला काट दिया है। कैप्टन ATC पर चिल्लाता है कि टैंकर भेजो और कुछ ही मिनट में फ्यूल टैंकर आता है और अनाउंसमेंट होती है कि फ्यूल भरने के लिए इंजन बंद करना होगा, लेकिन टेररिस्ट ऐसा करने से मना करते हैं। दूसरी ओर टेररिस्ट को भी कुछ डाउट होता है और वे प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए कहते हैं। प्लेन बिना रिफ्यूल हुए टेक ऑफ कर जाता है लेकिन हमारे लीडर्स डिसीजन नहीं ले पाते। दूसरी ओर अफसरों को पता चलता है कि प्लेन में सिर्फ 10 मिनट का फ्यूल बचा है। प्लेन पाकिस्तान में एंटर होता है।
विदेश मंत्री पाकिस्तान बात करते हैं और सत्तार से कहते हैं कि प्लेन लैंड कराइए और हमारी मदद कीजिए। लाहौर एयरपोर्ट ATC को बताया जाता है कि IC-814 इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है, लेकिन ATC रनवे की लाइट्स बंद करने के लिए कहता है और फ्लाइट को वहां से कहीं और जाने के लिए कहता है। कैप्टन बताते हैं कि फ्लाइट में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है। ATC अफसर कहता है कि अगर सच में फ्यूल नहीं हुआ तो प्लेन यहीं क्रैश हो जाएगा। कप्तान तेजी से प्लेन वहां ले जाता है। फ्यूल का PP खत्म हो सकता है और इस दौरान एक इंजन बंद हो जाता है। प्लेन काफ़ी जोर से ज़मीन से टकरा कर लैंड होता है। वहीं प्लेन में दो लोगों की हालत ख़राब होती है जिनके गले पर वार किया गया था। तभी प्लेन में फ्यूल भर दिया जाता है। टेररिस्ट कैप्टन को टेक ऑफ के लिए कहते हैं। प्लेन टेक ऑफ होता है और काबुल की ओर बढ़ता है। कैप्टन शरण काबुल ATC से लैंडिंग की परमिशन मांगता है, लेकिन ATC बताता है कि यहाँ रात में पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए अभी लैंड नहीं कर सकते। आप चाहे तो 7 घंटे बाद लैंडिंग कर सकते हैं। अब प्लेन को दुबई ले जाने का फैसला होता है, जहाँ प्लेन को लैंड करने की परमिशन मिल जाती है। हमारे विदेश मंत्री दुबई के शेख से बात करके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लेन में से औरतों और बच्चों को वहाँ रोक लीजिएगा, आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। कुछ ही देर में दुबई एयरपोर्ट पर प्लेन में फ्यूल भरने के लिए टैंकर आता है। उसी दौरान दुबई ATC को कैप्टन शरण कोडवर्ड में बताता है कि प्लेन में एक पैसेंजर की मौत हो चुकी है। प्लेन में रिफ्यूलिंग के दौरान ATC बताते हैं कि प्लेन में से औरतों और बच्चों को उतारना होगा, नहीं तो फ्यूल टैंकर वहाँ से नहीं हटेगा। आखिरकार टेररिस्ट को दुबई ATC की मांग के सामने झुकना पड़ता है। वे औरतों और बच्चों को दुबई एयरपोर्ट पर उतार देते हैं। प्लेन हाईजेक का ये दूसरा दिन है। टेररिस्ट कॉकपिट में आकर कैप्टन को बताता है कि हम कंधार जाएंगे। दूसरी ओर दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा बढ़ रहा है, क्योंकि पैसेंजर्स के परिवारजनों को कुछ भी सही जानकारी नहीं दी जा रही। प्लेन कंधार में लैंड होता है, जहां रनवे पर आतंकवादी बाइक लेकर आता है और कैप्टन को बताया जाता है कि इसके पीछे चलो। अब आतंकवादी प्लेन में अनाउंसमेंट करता है कि आप सब लोग शांति से बैठे रहें, हमें हमारा काम करने दें, आपकी हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसी ने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। वे पिकअप ट्रक में आकर प्लेन को घेर लेते हैं। DRS कहता है कि उसने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अहमद मुतवक्किल से बात की है, लेकिन वो तालिबान के प्रमुख मुल्ला उमर और दुनिया के बीच का एक ब्रिज है। तालिबान का मिनिस्टर वहां पर आता है और प्लेन में खाना पहुंचाया जाता है। तभी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सामने आता है। वो बताता है कि हम आतंकवादियों के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे। जब ये बात टेररिस्ट तक पहुंचती है तब वो गुस्सा हो जाते हैं और वहां से निकलने की बात करते हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अहमद मुतवक्किल अगले दिन सुबह प्लेन में फ्यूल भरने की बात मान जाते हैं। तभी सेक्रेटरी विदेश मंत्री विजय बान से कहता है कि सर, आप UN और रेडक्रॉस से बात कीजिए कि वे प्रेस लेकर वहां पहुंचे तो शायद तालिबान ईंधन देने से डरेगा। विजय बान UN सेक्रेटरी से बात करते हैं। कंधार हाईचेक का तीसरा दिन। हम देखते हैं कि क्रू मेंबर सबको चाय और नाश्ता दे रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के परिवारजन लगातार रो रहे हैं। प्लेन में हाईजेकर्स आकर कैप्टन को कहते हैं कि हम दिल्ली वापस जाएंगे। कैप्टन कहते हैं कि 16 घंटे प्लेन हवा में था, कोई टेक्निकल जांच नहीं हुई, कोई सर्विसिंग नहीं हुई। टेररिस्ट कहता है कि क्या होगा, प्लेन क्रैश हो जाएगा, तो हो जाने दो। अब प्लेन में फ्यूल भरा जा रहा है। तब कैप्टन शरण कहता है कि ईंधन भरने के बीच जेटिसन करें, प्रेशर पड़ते ही टैंक फट जाएगी। वो पायलट डर जाता है और मना करते हुए कहता है कि वे हमें मार डालेंगे। कैप्टन शरण कहता है कि वैसे भी कौन बचने वाला है, ये दिल्ली ले जाकर प्लेन पार्लियामेंट पर क्रैश करने की बात कह रहे हैं। को पायलट डर के बाहर चला जाता है। तब तीसरा पायलट कैप्टन शरण के साथ मिलकर जेटिसन करने के लिए एग्री करता है। कैप्टन स्विच ऑन करने जाता है, तभी टेररिस्ट कॉकपिट में आकर पूछता है कि सब ठीक है। कैप्टन कहता है कि इन्हें ठीक से फ्यूल भरना भी नहीं आता, इतना प्रेशर दे रहे हैं कि टैंक फट जाएगा। वो टेररिस्ट बाहर जाता है, तभी कैप्टन जेटिसन के लिए स्विच ऑन कर देता है, जिसके कारण फ्यूल टैंक फट जाते हैं और फ्यूल बहने लगता है। टेररिस्ट गुस्से में कॉकपिट में आता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ UN का प्लेन लैंड होता है। वे अपने साथ इंटरनेशनल प्रेस को लेकर आए हैं। भारत और तालिबान के अफसर प्रेस से बात करते हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अहमद ने प्रेस को बताया कि तालिबान की धरती पर कोई खून खराबा नहीं होगा, हम यात्रियों को खाना पानी और सभी ज़रूरत की चीज़ें दे रहे हैं। इधर भारत में ऑल पार्टी मीटिंग होती है, जिसमें तय किया जाता है कि भारत सरकार हाईजेकर्स के साथ बात करेगी। NSA और विदेश मंत्री नेगोशिएशन के लिए एक टीम को चुनते हैं, जो वहां जाकर हाईजेकर्स के साथ बात करेगी, उनसे पूछेगी कि उन्हें क्या चाहिए, तभी कोई फैसला हो पाएगा। रॉ के रंजन मिश्रा को इस टीम का लीडर बनाया जाता है। उनके साथ DRS अभिजीत कुमार और मुकुल मोहन को भेजा जाता है। साथ में वे कमांडो टीम को भी भेजते हैं, शायद कमांडो ऑपरेशन के लिए तालिबान मान जाए। उधर कंधार में रो एजेंट राम बैग रखने वाले की इंट्रोगेशन कर रहा है,
जो बताता है कि उस पैक में 17 किलो RDX हैं। राम तुरंत रॉ चीफ को इसके बारे में बताता है। उधर इंडियन नेगोशिएशन टीम कंधार पहुंचती है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री वहां आते हैं और प्लेन चेक करते हैं, जिसमें कमांडो भी बैठे हैं। रॉ के अफसर बताते हैं कि ये डॉक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ हैं। रंजन को बताया जाता है कि IB चीफ बात करना चाहते हैं, वे वहीं से कॉल लगाते हैं। IB चीफ बताते हैं कि प्लेन के बैगेज एरिया में एक लाल बैग में 17 किलो RDX हैं। कंधार एयरपोर्ट पर नेगोशिएशन टीम के लिए सेटअप होता है और मुकुल मोहन टेररिस्ट से बातचीत शुरू करते हैं। तब टेररिस्ट बीच में बोलता है कि किसी को रिहा नहीं किया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो और लोगों का कत्ल भी होगा। तब मुकुल मोहन कहते हैं कि आप बेशक कत्ल कर दीजिए, 160 लोग हैं हमारे आपके पास, सबको मार दीजिए, लेकिन हमारे पास आपके 5,000 लोग हैं, मैं उन्हें कत्ल कर दूंगा, हम कल सुबह फिर बात करेंगे। हाईजैकिंग का 5वां दिन है। आतंकी अपनी डिमांड एक खिलौने में लेटर रखकर भेजते हैं। आतंकियों की डिमांड है कि भारत सरकार 35 आतंकवादी जो कि भारत की जेल में बंद हैं, सज्जाद अफगानी की लाश और $200 मिलियन के साथ उन्हें रिहा करते। मुकुल मोहन बताते हैं कि सज्जाद अफगानी को हमने 6 महीने पहले मारकर दफन कर दिया। दूसरी ओर भारत सरकार मसूद अजहर की रिहाई के लिए मान जाती है। 5 बजे नेगोशिएशन शुरू होती है। मुकुल मोहन कहते हैं कि कोई एक नाम बता दो। टेररिस्ट कहता है कि उन्हें सब चाहिए। तब मुकुल मोहन कहते हैं कि आप सब पर अटकोगे तो एक भी नहीं मिलेगा। टेररिस्ट धमकी देता है कि कल यहाँ से जहाज उड़ेगा और क्रैश कर दिया जाएगा। तब मुकुल मोहन उन्हें आखिरी ऑफर देता है, जिसके मुताबिक मसूद अजहर के साथ 4 आदमी जो भारत सरकार चाहे, या फिर मसूद अजहर और उसके साथ 2 आदमी जो आतंकवादी चाहे। बातचीत फिर से रुक जाती है, जिसके बाद मुकुल मोहन कहते हैं कि मुझे तालिबान के विदेश मंत्री से बात करने दो कि वो कमांडो ऑपरेशन करने दें। लेकिन ये बात सुनकर तालिबानी भड़क जाते हैं और पूरे एरिया को घेर लेते हैं। रात में भारतीय अफसर बात करते हैं कि तालिबान प्रमुख मुल्ला ओमर ने मीटिंग बुलाई है, जिसमें सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शामिल होंगे और ये मीटिंग तरनक किला में होने वाली है, जहां ओसामा बिन लादेन रहता है। यानी कि इस नेगोशिएशन में ओसामा बिन लादेन भी शामिल है। पाकिस्तान हाई कमीशन में मौजूद भारतीय अफसर को कंधार बुलाया जाता है। वो बताता है कि मसूद के बाप मौलाना अल्लाह बख्श ने मसूद को छुड़वाने के लिए 1.5 साल पहले इलियास कश्मीरी से मदद मांगी थी। इलियास ने यह काम अमजद को दिया। वहीं ओसामा मौलाना बख्श की काफ़ी इज्जत करता है और अमजद ने काठमांडू से प्लेन हाईचेक का प्लान बनाया। उसने ISI से मदद मांगी। मसूद का भाई इब्राहिम इस प्लान में शामिल हो गया, इसलिए अमजद भी आया क्योंकि नेगोशिएशन उसे करनी थी। हाईजैकिंग का 7वां दिन। रात को ओसामा के ठिकाने तरनक किला में मीटिंग खत्म करने के बाद सुबह तालिबान के विदेश मंत्री एयरपोर्ट आते हैं और आतंकवादियों के साथ बात करते हैं। मुतवकिल चीफ को बताते हैं कि आपको अपनी डिमांड में से पैसा और सज्जाद अफगानी की लाश, इन दोनों को हटाना होगा। अगर आज कोई डील नहीं होती तो कल हम आपके जहाज को रिफ्यूल कर देंगे, जिसके बाद आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। मुकुल मोहन और टेररिस्ट के बीच बातचीत फिर से शुरू होती है। टेररिस्ट कहता है कि आप क्या कर सकते हैं वो बताइए। फिर बताता है कि मौलाना मसूद असर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद सरगर, ये हमारी ओर से फाइनल नाम है, और बातचीत खत्म हो जाती है। NSA विदेश मंत्री के पास आते हैं, जो बताते हैं कि इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा। NSA मीडिया को बताते हैं कि हाईजैकर्स से नेगोशिएशन खत्म हो चुका है, वे हमारे सारे बंधकों को छोड़ देंगे, बदले में हमें 3 टेररिस्ट को रिहा करना है, मौलाना मसूद असर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद सरगर। विदेश मंत्री विजयभान सिंह कंधार के लिए रवाना होते हैं। उसी प्लेन में रिहा किए गए 3 आतंकवादी भी मौजूद हैं। उनका प्लेन कंधार में लैंड होता है और प्लेन में मौजूद सभी टेररिस्ट प्लेन से चले जाते हैं। प्लेन में से सभी भारतीयों को बाहर लाया जाता है। विदेश मंत्री उन्हें वेलकम करते हैं। कैप्टन शरण नीचे आने से पहले प्लेन को ध्यान से देखता है और रोते हुए बाहर आता है। विदेश मंत्री कैप्टन को सैल्यूट करते हैं और प्लेन भारतीय पैसेंजर्स को लेकर रवाना हो जाता है, जो कुछ ही घंटों में भारत आ जाता है। हाईजैकर्स कंधार एयरपोर्ट से तीनों रिहा किए गए आतंकवादियों के साथ वापस आने पर ओसामा बिन लादेन के घर पर जश्न का माहौल होता है। और इसी के साथ सच्ची घटना पर बनी ये वेब सीरीज समाप्त हो जाती है।